होली पर्व को शांतिपूर्ण नशामुक्त बनाने के लिए और हुड़दंग को रोकने के लिए राजगीर थाना पुलिस सजग हो गई है। होली के पहले शराब बेचने, शराब का सेवन करने वालों का लगातार धरपकड़ चल रहा है। इसी क्रम में बुधवार को राजगीर थाना पुलिस के द्वारा कुल 5 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। वाहन जांच अभियान के क्रम में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले फतुहा के बिट्टू और राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरियक निवासी कमलेश कुमार एवं गोपाल मिस्त्री को गुजारबाग से शराब के नशे में पकड़ा गया है। शराब बेचने के आरोप में कुंती देवी दहशनी पर को 200 ग्राम देशी शराब के साथ पाउच के साथ गिरफ्तार किया गया है। पांचों गिरफ्तार लोगों को सरकार के शराबबंदी अभियान को भविष्य में लागू करने के लिए राजगीर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर दीपक कुमार द्वारा शपथ भी दिलाई गई है। मैं आज के बाद